बिना हाथ में सुई धागा लिए सिर्फ और सिर्फ सिलाई मशीन के ऊपर सिर्फ 5 मिनट में हमने ये हुक्स लगाए हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठे हैं और उतनी ही मजबूती के साथ बैठे हैं, और यहाँ पर आपको सिलाई भी नजर नहीं आएगी। तो इसे बनाने का बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीका वीडियो में बताया है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियो फ्री में देख सकते हो। मशीन के ऊपर हुक्स लगाने के लिए हमें 2 पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। एक होगी 1.5 इंच चौड़ी यानी छोटी पट्टी, और एक होगी 2.5 इंच चौड़ी मतलब बड़ी वाली पट्टी। सबसे पहले छोटी वाली पट्टी को एक तरफ से 1/4 इंच यानी 1/5 इंच मोड़कर सिलाई लगा कर लेनी है। ये दोनों पट्टियाँ मैंने लाइनिंग के कपड़े में से कट की है, आप चाहो तो ब्लाउज के कपड़े में से भी कट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल बड़ी वाली पट्टी का कोई काम नहीं है, तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। और यहाँ पर लेंगे हम ये ब्लाउज का पैटर्न। तो जिस साइड में आपको हुक पट्टी लगानी है उस साइड का पैटर्न लेना है, और ये है हमारी पट्टी। तो देखो ये पट्टी की उल्टी साइड होगी और इस तरफ इसकी ये सीधी साइड होगी। तो ये पट्टी की सीधी साइड है और ये है उल्टी साइड। तो पट्टी को ऐसे ही सीधे में रखना है और इस तरफ रख देना है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई को हम पट्टी को थोड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ते हुए सिलाई को शुरू करना है, और इस तरह से ऊपर तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है, अब इसको पलट देना है पट्टी को, और पलटने के बाद यहाँ थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लेंगे, और वो इस तरह से फोल्ड करें कि उसके ऊपर हमारी सिलाई आए, और यहाँ से हम इसको प्रेस स्टिच लगाएंगे और एक्स्ट्रा का पट्टी कट कर देंगे। अब ये पट्टी लग चुकी। पट्टी लगने के बाद एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से लगी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो पट्टी इस तरफ फोल्ड है, ठीक है, मतलब पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की तरफ आई है और नीचे की तरफ ये इस तरह से दिखेगी, और इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, ये देख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, एक सीधी स्केल लेनी है, एक पट्टी लेनी है और इसे इस तरह से रखना है। अब पट्टी को थोड़ा सा हम एक लाइन तक छोड़ देंगे और फिर एक लाइन बनाएंगे, मतलब देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन का अंतर छोड़ा है पट्टी के ऊपर और फिर एक लाइन खींची है। अब ये बड़ी वाली यानी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि आगे की तरफ 1/4 इंच कपड़ा बचा रहे, और इसको नाखून से थोड़ा प्रेस करके लेंगे। अब इस पट्टी को हम नीचे से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे, ताकि नीचे हमारी पट्टी फिनिशिंग से आए। अब इसको मैंने पलट दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ये फोल्ड वाली साइड मैंने इस तरफ रखी है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ रखी है। इसको उसी लाइन के ऊपर बराबर से रखना है जो हमने खींची थी। अब इसे हमें फिक्स करना है इन पिंस की मदद से। तो 1 से 2 पिंस लगाकर इस पट्टी को उस लाइन के ऊपर बराबर से फिक्स कर दीजिएगा जो हमने लाइन खींची थी। ऊपर और नीचे बस मैंने 2 ही पिंस लगाए हैं, उतनी ही ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर निशान बनाएंगे। तो देखो जहाँ पर हमें हुक्स लगाने हैं वहाँ वहाँ पर आप निशान बना दो। तो इस तरह से बस हमें छोटे छोटे निशान बनाने हैं। तो ये 2-2 लाइंस हम बनाएंगे एक हुक के लिए। जितना आपको अंतर छोड़ना है 2 हुक्स के बीच में, उतना छोड़ते हुए आप इस तरह से निशान बना दीजिएगा 2-2 लाइंस का। तो इसी तरह से मैं ऊपर की तरफ पूरे निशान बना दूंगी, जितना आप हुक्स लगाना चाहते हो 5, 6, 7 उसी हिसाब से आप निशान बना दीजिएगा। तो ऊपर की तरफ निशान बनाते हुए ध्यान दीजिएगा कि ऊपर की तरफ हमारी गले की पट्टी भी आएगी, तो उसका मार्जिन छोड़ते हुए निशान बना सकते हो। अब मैंने पेन से निशान बनाए हैं, तो आपको पेन से नहीं बनाने, मैं बस वीडियो में आपको क्लियर दिखे इसलिए पेन से निशान बनाई हूँ, आपको टेलरिंग चौक से निशान बनाने हैं। अब हमें पट्टी की मदद से यहाँ पर इस तरह से लाइन बनानी है सीधी। तो ये लाइन देखो मैं कैसे तोड़ तोड़ के बना रही हूँ, मतलब 2 हुक के जो निशान है उसी के बीच में मैं लाइन खींच रही हूँ। अब ये लाइन सीधी हो गई है।
अब ये निशान मैंने किस बेसिस पर बनाए हैं? तो देखो, ये हुक है हमारा, तो निशान की चौड़ाई मैंने कितनी रखी है हुक के बाहर की तरफ, वो निशान आए, क्योंकि हुक अंदर की तरफ जाने वाला है तो उतना मार्जिन हमें लेना है। और इसकी लाइन की लंबाई भी देखो, मैंने हुक का जो आगे का नोक हुए उसी हिसाब से रखी है। तो इस तरह से आपको भी निशान बनाने। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब हम सिलाई लगाने के लिए आ गए हैं मशीन के ऊपर। नीचे की तरफ की पिन को निकाल दीजिएगा और यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो देखो, सुई को यानी सिलाई को आगे पीछे करके धागे को पूरी तरह से लॉक करना है। अब कपड़े को घुमाएंगे, सुई को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से कपड़े को आगे की तरफ रखेंगे, मतलब सुई को आगे की तरफ डायरेक्टली रखेंगे और फिर कपड़े को घुमाकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब सुई को मैंने अंदर की तरफ ही रखा है क्योंकि सिलाई को कंटिन्यू करना है ऐसे ही आगे की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो उस कपड़े को हमें बंद करना है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, मतलब उसके ऊपर सिलाई लगाई। अब कपड़े को मैंने घुमाया है, सुई को मैंने बिल्कुल भी नहीं उठाया और आगे पीछे करके सिलाई को लॉक किया। अब मैंने सुई को ऊपर उठाया है, आप देख सकते हो, और कपड़े को नॉब को उठाकर कपड़े को आगे की तरफ रखा है और फिर सुई को इस तरह से अंदर की तरफ डालकर मैंने धागे को लॉक किया है। और यहाँ से भी हमें कपड़े को बंद करना है, यानी पट्टी को बंद करना है। तो इसी तरीके से हमें आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। तो देखो, आप देख सकते हो, मैं धागे को आगे पीछे दो तीन बार करके लॉक कर रही हूँ। तो जो हमने दो निशान बनाए हैं ना, दो छोटे छोटे लाइंस, तो लाइन के बीच में सिलाई नहीं आएगी, इसका ध्यान आप रखिएगा। आप मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो के ऊपर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको वो अच्छा और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आगे पीछे करके धागा लॉक करना ज़रूरी है और फिर सुई को ऊपर उठाकर आगे की तरफ रखना है क्योंकि दो लाइन के बीच में सिलाई नहीं आएगी हमारी। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगी कि ये सिलाई हमारी कैसी लगी है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार मैं अच्छे से दिखा दूंगी। अब देखो, सिलाई लग चुकी, मैंने सारे पिन निकाल दिए। अब यहाँ पर देखो सिलाई कैसी लगी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई की शुरुआत की थी, ये देखिए, यहाँ से सिलाई की शुरुआत की थी, फिर सुई को उठाकर आगे तरफ रखकर यहाँ पर सिलाई लगा दी और फिर यहाँ पर लगाई, फिर हमने आगे पीछे करके धागा लॉक किया, फिर सुई को उठाकर आगे की तरफ रखकर यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमने आगे की तरफ कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर हम सुई उठाते थे, है ना, यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाते थे, यहाँ पर सुई उठाते थे, तो ये धागा इस तरह से रहेगा। तो इस धागे को हमें तोड़ देना है। तो आप कैंची की मदद से, छोटी कैंची होती है उसकी मदद से भी इस धागे को कट कर सकते हो, या फिर इस तरह से अगर आपके पास है धागा खोलने के लिए तो उसकी मदद से भी आप धागे को खोल सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से जो धागा था उसे मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में हुक्स जाएंगे। अब उल्टी साइड में भी वहाँ पर इस तरह से धागा रहता है तो उसे तोड़ दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से धागा रहता है तो इसे भी हमें तोड़ देना है। तो ये सारे धागे मैं तोड़ दूंगी उल्टी साइड से भी। तो सारे धागे मैंने तोड़ दिए, अब इसे मैंने सीधी साइड में लिया है। अब देखते हैं इसमें हुक कैसे डालने हैं, क्योंकि हुक तो हम सुई धागे की मदद से नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, बस इसे हाथ से हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने ये हुक्स लिए हैं, एक ही हुक में पहले दिखाऊंगी। तो ये हुक है, अब देखो ये उल्टी साइड है हमारी और ये पट्टी है। तो ये हुक इस तरह से नहीं रखना हमें, इस तरह से रखना है, यानी हुक को पीछे की साइड से डालना है। तो इस पट्टी के अंदर हमें अच्छे से डालना है। हुक छोटा होता है तो इसे अच्छे से पकड़ना है दो उंगलियों के बीच में और इसे थोड़ा सा जोर लगा के आगे की तरफ पुश करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने हुक को उस होल में डाल दिया क्योंकि सिलाई की मदद से हमने वहाँ पर होल बनाया है। ये देखिए, हुक यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं सीधे मिलूँगी।
सीधे मिलने के बाद यहाँ पर हुक का जो नोक होता है वो नोक आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए ये आ गया है नोक, बस इसे इस तरफ से हम थोड़ा सा जोर लगाकर खींचेंगे, हल्का सा जोर देना है दो उंगलियों की मदद से। यहाँ से अगर हम पुश करते हैं पीछे की साइड से तो हुक आगे की तरफ इजीली आ जाएगा, तो इस तरह से ये बाहर निकलेगा। अब देखो नोक को पकड़ते हुए मैंने इसको बाहर निकाला है और निकालने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर अटक जाएगा। इस तरह से ये अटक गया है, ये देखिए, और बहुत अच्छे से बैठा है क्योंकि उसका हुक का नोक मैंने ऊपर की तरफ निकाल कर इसको फिक्स किया है और ये उल्टी साइड से इस तरह से दिखेगा। अब सेम इसी तरीके से हमें सारे हुक्स डाल देने हैं, जो बचे हुए होल्स हैं उसमें हम सारे हुक्स डाल कर लेंगे। तो फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ, देखिए ये हुक की उल्टी साइड में मैंने लिया है, मतलब हुक की जो पीठ वाली साइड होती है वो मैंने ऊपर की तरफ ली है और इसे हमें इस होल में डालना है इस तरीके से। ये बहुत अच्छे से अटक जाता है हुक और बहुत मजबूती के साथ बैठता है, ये बिल्कुल भी आपका निकलेगा नहीं और ना ही यहाँ पर धागा टूटने का डर होता है। तो ये देखिए मैंने हुक को डाल दिया, अब इस ओर से हम इसे पुश करेंगे इस तरीके से, मतलब पीछे की साइड से मैं उंगली से उसको पुश कर रही हूँ यहाँ से। तो ये इसका नोक धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गया, ये देखिए नोक आने के बाद हमें इसको इस यहाँ पर अटका देना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा हुक पिक्स और इसी तरीके से मैं सारे हुक्स यहाँ पर डाल दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से अटक जाता है, इसके आगे ये नहीं जाएगा और बहुत मजबूती के साथ बैठता है। तो यहाँ पर मैंने सारे हुक्स को इस होल में फंसा दिया है और उल्टी साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा, पट्टी के नीचे आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये सारे हुक यहाँ पर हुक्स फिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी साइड से लेंगे और ये बचा हुआ जो पट्टी है आगे की तरफ एक्स्ट्रा, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिंपली पूरी तरह से फोल्ड करके यहाँ पर आप हाथ से तुरपाई करो या फिर सिलाई लगाओ, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं बड़े टाको वाली सिलाई लगा कर लूँगी और बाद में मैं तुरपाई कर दूँगी। तो चलो मशीन के ऊपर। तो देखो ये पट्टी है उल्टी साइड से, मैंने इसको फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया और यहाँ से मैं लगा रही हूँ बड़े टाको वाली सिलाई ताकि मैं तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को आसानी से निकाल सकूं। तो लग गई हमारी हुक पट्टी और यहाँ सीधी साइड से देखोगे तो आपको ऊपर की तरफ टाका नज़र नहीं आएगा। तुरपाई करने के बाद तो ये देखो इसका फिनिशिंग, यहाँ पर मैंने तुरपाई कर दी है और मेरा ब्लाउज भी कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से तुरपाई की है और ये हुक एकदम एक लाइन में प्रोफेशनल तरीके से बैठे हैं, बहुत मजबूती के साथ बैठे हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।